हम लोगों को मूवी बहुत अच्छी लगी और आई एम द बिग फैन ऑफ अनमोल भैया और ये मूवी मेरी फेवरेट वन ऑफ हो चुकी है. ये मूवी बहुत अच्छी थी और सभी लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि बिकॉज आजकल जो एजुकेशन में जो आजकल हो रहा है उसके ऊपर ये बिल्कुल डिपेंड हो रही है. नाइस मूवी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था मूवी का, बहुत अच्छी मूवी, बी पॉजिटिव. और सबको मानव बनना है, क्या बनना है? मानव बनना है. आई होप ये मूवी काफ़ी अच्छी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखने आएंगे. जो भी हमारा सजेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखने आएँ और खासकर अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, जिससे जो शिक्षा इस मूवी में दी गई है वो हर बच्चे को मिले और वो भी पॉजिटिव बने और एक इंसान बनने से भी पहले एक अच्छा मानव बने. ये ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट टू अनमोल, हमारी बेस्ट विशेस उसके साथ. स्कूल में टीचर पढ़ाने जाते हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ा करके बच्चों को अपने कोचिंग में पढ़ाने व्यवसाय करने के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं, जो कि गलत है. बहुत अच्छी लगी, बहुत पॉजिटिव, बी पॉजिटिव क्या, डबल पॉजिटिव है. तो बहुत अच्छी लगी, ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए और ऐसी फिल्में बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि उनका कैरियर जो बिगड़ते हुए कैरियर को उनको सफलता मिले और बच्चे आगे बढ़े, ये हमारा कहना है. आपने जो पिक्चर दिखाई बच्चों को, मुझे लगता है वास्तव में मानवता का पाठ पढ़ा दिया और इससे बच्चों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी. बहुत प्रेशर कम हुआ, बहुत अच्छा लगा जो बच्चे आगे बढ़े और इसी से बच्चे पॉजिटिव रहेंगे. एक अच्छा मैसेज है और यूथ के लिए सबसे कंपलसरी चीज ये दी है ना कि आप एजुकेशन को एक बिजनेस मत बनाओ. आप एजुकेशन आज जिस तरीके के जिस दौर में चल रही है तो एक्चुअल जो इन्होंने शोकेस किया है वो यही किया है कि जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है वो इसी टाइप की मेंटालिटी की वजह से गिर रहा है. ये मूवी देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पॉजिटिवनेस है इसमें. इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है पढ़ाई के लिए, स्कूल में लिए जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उन सब के लिए थी, अच्छा मैसेज था. सबको देखनी चाहिए, बच्चों को दिखानी चाहिए ताकि उसमें कैसे लोग प्रॉपर होते हैं. जो शिक्षण व्यवस्था है उसकी जो सच्चाई है वो इन्होंने इस चीज़ को, सच्चाई को बच्चों से अवगत करवाया है. एवं क्योंकि जब नींव हमारी मजबूत होगी तो महल अच्छा खड़ा होगा, तो इसका सीधा सीधा जो मूवी का जो संदेश है, जो पिक्चर का संदेश है वो यही जाता है कि हमें ट्यूशन वगैरह के चक्कर में ना पड़ के एक जो हमें गुरु हमें शिक्षा दे रहा है उसी को हमें फोकस करना चाहिए एवं स्व अध्ययन, जो स्वाध्याय बोला गया उसी को अध्ययन करना चाहिए. क्योंकि ट्यूशन वगैरह केवल एक इंसान को भ्रमित करने का, इंसान का जो समय है उसको फालतू के कामों में व्यतीत करने का एक जरिया है एवं एक दुकानदारी अपन. क्या चाहता है तू? अब क्या हुआ? तूने मना किया ना शालू को मेरी कोचिंग में आने से? तेरी कोचिंग की फीस नहीं दे सकती थी इसलिए. और हाँ, मैं कोचिंग का विरोधी नहीं हूँ, मैं तेरे तरीके का विरोधी हूँ, जिस तरह से तू क्लास में नहीं पढ़ाता और बच्चों को कोचिंग की जरूरत महसूस कराता. ये मेरा स्टाइल है, तू अपना काम कर. आज सारे टीचर यही करते हैं, समझा? मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, पर याद रखना होशियार बच्चे को कोचिंग की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तू क्लास में ईमानदारी से पढ़ाए तो, क्योंकि मैं जानता हूं तू मुझसे भी अच्छा पढ़ाता है. मुझे ज्ञान मत बांट, मुझे तो जैसा करीब टीचर बनने का शौक नहीं है, समझा? आदमी पैसों से नहीं दिल से अमीर होता है. ओ, तेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता मैं. तेरी भी सलटाऊंगा शांत, जल्दी सलटाऊंगा. देखो शांत, स्टाफ रूम है.